सीएम राइज स्कूल के विरोध के साथ पुरानी पेंशन बहाली पर अड़े शिक्षक। मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय संभाग के सम्मेलन में वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दबोह में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रांतीय संभागीय और जिले के पदाधिकारियों ने शिरकत की, साथ ही संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भेजने का मसौदा तैयार किया गया। इसमें कई बिंदुओं को शामिल किया गया जिससे शासन पर दबाव पैदा कर संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। वर्षों से लंबित पड़ी ग्रेच्युटी राशि का तत्काल भुगतान करवाने की मांग और राज्य कर्मचारी की भांति ग्रीन कार्ड का इंक्रीमेंट लाभ तत्काल दिलवाने की मांग, हमारे कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश में असमय काल के गाल में समा गए दिवंगत शिक्षकों के साथ मध्य प्रदेश की द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के साथ साथ दिवंगत शिक्षकों के परिजनों के पूर्ण न्याय दिला जाने की मांग पदाधिकारियों और सैकड़ों शिक्षकों ने इसका समर्थन किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के सीएम राइज की योजना से सरकार हम पर कुठाराघात करने की योजना बना रही है, अगर उससे हम शिक्षकों के अधिकारों का हनन होगा तो उसका विरोध पुरजोर संगठित होकर करेंगे। इसके साथ ही आजाद अध्यापक संघ के द्वारा सरकार को चेताया गया कि यदि सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो हमारे हित को अनदेखा किया गया तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगामी चुनावी समर में अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवाएंगे। को जब सर्विस कर रहे हैं तो क्रमोन्नति भी मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी, महंगाई भी मिलेगी, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी। तो अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़ के सबसे ज्यादा फोकस अपना पुरानी पेंशन पे होना चाहिए। देखिए, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जो हमारा संगठन है, हमने इसका विरोध नहीं किया है। हमने इस संबंध में शासन से जानकारी मांगी है, स्पष्टीकरण मांगा है, क्या इसके लागू होने से शिक्षक संवर्ग की नियुक्तियां सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इस संबंध में हमने भिंड जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन भी कराया था जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री और डॉक्टर रमन सिंह जी मौजूद थे। उनके समक्ष हमने ज्ञापन दिया था, वार्ता रखी थी, उनके द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया था, हमें आश्वस्त किया गया था कि सीएम राइज लागू होने से मध्य प्रदेश में किसी भी शिक्षक की सर्विस नहीं जाएगी। कुछ चुनिंदा विद्यालय सीएम राइज के तहत रखे गए हैं, लेकिन इसमें ये बात केवल अफवाह है कि इसमें शिक्षकों की नियुक्तियां सर्विस जाएंगी। जिला अध्यक्ष जी, आजाद शिक्षक संघ किस राजनीतिक संगठन का भविष्य में सहयोग करेगा? पहले मैं बताऊं, संगठन का नाम आजाद अध्यापक शिक्षक संघ है और इसका पहला और मूल पहली शर्त यह है, हम किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा राजनीतिक नेता का न तो विरोध करेंगे न ही समर्थन। हमारा समर्थन केवल शिक्षकों के हित में है, हमारा विरोध केवल शिक्षक विरोधी समझो है बातों के लिए। मंच के माध्यम से आपके पदाधिकारी जी भविष्य में होने वाले चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मंच सभी के विचार अभिव्यक्ति के लिए है, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो ये उसका व्यक्तिगत राय है, संगठन की राय बिल्कुल नहीं है। संगठन की राय वो है जो संगठन का प्रवक्ता कहेगा, संगठन का अध्यक्ष कहेगा। किसी संगठन ने कभी अपने लेटर पैड पे ये तो नहीं कहा कि हम फलाने दल का समर्थन करेंगे, ये बातें बिल्कुल निराधार है। लोगों की व्यक्तिगत सोच है, वो अपनी बात रख सकते हैं।